चैप्टर में से किसी की नीड होगी तो इट्स ओके, वो वाली चीज आप मेरे साथ ही कंटिन्यू करना. एंड जो ये चैप्टर है, अगर आपने मान लो स्कूल में कहीं पढ़ लिया है तो आ जाएगा अच्छी क्लास में समझ में. अगर मान लो लगे ना कि मैम नहीं आ रहा है, थोड़ा कम आ रहा है समझ में, आ ही नहीं रहा है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अभी किया ही नहीं मेरे साथ ये स्टार्टिंग से चैप्टर, तो उसका कोई ऐसा टेंशन नहीं लेना है. आप साथ साथ क्या करते जाएंगे, अपना कंप्लीट करते जाएंगे. और आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट करना है सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, रिकॉर्डिंग देखना जो है स्टार्ट करना है धीरे धीरे धीरे, क्योंकि तीन आपकी वो हो गई ना सब्जेक्ट्स हो गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो तीनों का देखना है ऐसा एकदम से मत देखना, धीरे धीरे करके अपने लेक्चर्स जो है कंप्लीट कर लेना. ठीक है, एंड आउट के लिए तो मैं बैठी हूँ, ऑलवेज अवेलेबल. ठीक है बेटा, विनायक एंड पलक, आई होप. यस मैम. हाँ ओके. और आ गए ना सारे, शिखा आ गई है, तनिष्क आ गई, शिखा मिसबा आ गई, तनिष्क आ गया क्या? नो मैम, तनिष्क नहीं आया. अच्छा, और एक वो भी नहीं आया प्रिंस, एक बार मैं रिमाइंडर भेज देती हूँ. तनिष्क बड़ा लेट लतीफ है, क्या करूँ इसका. एक मिनट रुको, मेरा बताओ. कहाँ गया अपना डाउट सॉल्विंग ग्रुप? मंतशा भी नहीं आई. ठीक है ओके. शगुन आप कर दे रहे हो बेटा होमवर्क? प्रियांची? यस मैम. ओके ठीक है, तो ओके फिर स्टार्ट करते हैं हम. तो बेसिकली आज का जो लेक्चर रहेगा उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया था, आज फर्स्ट ऑर्डर को हम कंप्लीट कर लेंगे एंड कुछ कुछ बातें हम सेकंड ऑर्डर के बारे में भी देखेंगे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे. ठीक है, तो आज का हमारा यही रहेगा. एंड आज हमारा फोर्थ लेक्चर है, तो ये लगा लो दो तीन लेक्चर और इस पे जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स पे, देन वी विल स्टार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर. ठीक है, अब इनऑर्गेनिक में क्या करेंगे वो मैं आपको जब ये कंप्लीट होने वाला होगा चैप्टर फिर मैं आपको बता दूंगी. ठीक है बेटा, चलो तब तक सोचना नहीं है. ओके ठीक है, तो आप आज का ऑब्जेक्टिव ही यही है मेरा बेटा कि फर्स्ट ऑर्डर को अच्छे से अपने को समझना है, ताकि जो क्वेश्चंस आपके नहीं लगे थे वो आपके क्वेश्चंस लग जाएं. एंड सेकंड ऑर्डर वैसे तो देखो सिलेबस में नहीं है, बट नीट में ना कई बार दे देते हैं सेकंड ऑर्डर से सवाल और वो इजी होता है, बट वो हो जाएगा. तो मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी, एक फॉर्मूला बताऊंगी, जनरल फॉर्मूला, उससे आप क्वेश्चन लगा पाएंगे किसी भी ऑर्डर का अगर वो आपसे पूछ लेता है. ठीक है जी, एंड वेटेज का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स का जो वेटेज है बेटा वो ज्यादा हो रहा है. मतलब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पहले इसको कोई तवज्जो नहीं देता था, मतलब अब ज्यादा डिमांड में आ रहा है. इवन मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज्यादा अब इसकी डिमांड बढ़ रही है. पर पूछो कैसे, क्योंकि 2024 में इससे तीन क्वेश्चन आए, लास्ट जो तीन क्वेश्चन आए थे वो बस एक 2022 में आए थे, अदरवाइज इसमें से दो ही क्वेश्चन बनते थे. बट इस बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से दो आए थे, केमिकल काइनेटिक्स से जो है तीन क्वेश्चन, यानी कि केमिकल काइनेटिक्स को तवज्जो दे रहे हैं. और जो कि पता अच्छी बात ये है कि केमिकल काइनेटिक्स बच्चों को कंपैरेटिवली ज्यादा ईजी लगता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से. और अगर आपको पता हो कि रीनीट हुआ है जो बच्चों का था ना 1563, उन बच्चों का रीनीट हुआ है अभी 23 जून को, एंड उसमें भी केमिकल काइनेटिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तीन क्वेश्चन पूछे हैं. एक क्वेश्चन तो आज क्लास में ही मैं कराऊंगी जो कि पहले कुछ सालों में पूछा गया था, वही सेम उन्होंने रिपीट किया है. दूसरा क्वेश्चन उन्होंने जो नीट का 2024 5th मई को पेपर हुआ था उसका ही सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया. तो दो क्वेश्चन तो देखो यहीं से ही आ गए, और एक और क्वेश्चन था वो मुझे याद नहीं आ रहा है. ठीक है, तो यानी कि इसमें भी तीन ही क्वेश्चन आए थे काइनेटिक्स से, तो काइनेटिक्स की डिमांड बढ़ रही है. तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, अपने फिजिकल केमिस्ट्री के ये तीनों चैप्टर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. तीन क्वेश्चन लगा के चलो केमिकल काइनेटिक्स से आएंगे, तीन ही लगा के चलो फॉर नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, छह और दो तुम्हारे सॉल्यूशन चैप्टर से, तो टोटल हो गए 8 क्वेश्चंस. एंड जब ये मैं चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी तो तुम्हारे कितने मैंने करा दिए, 32 मार्क्स का, 32 मार्क्स का अपने कर लिया होगा तब तक.
समझ में आ गई। और बेटा नीट में क्या होता है ना, नीट में क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं आएगा, अगर तुमने बेटा बहुत अच्छी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है एंड क्लास में कॉन्सेप्ट्स को समझा हुआ है, मतलब मेरे साथ साथ मेरी कही हुई बातों को आप फॉलो कर रहे हैं, तो जो आपका फाइनल नीट का एग्जाम आएगा ना, तो उसमें 0.0001% चांसेस ही होंगे कि आप पढ़े हुए चैप्टर में से क्वेश्चन ना करके आए, अदरवाइज 99.9% चांसेस है कि जो आप पढ़ के गए हो, जिनकी आप प्रैक्टिस करके गए हो, वो सवाल आप पेपर में बना लो। अब 0.001 क्यों बोला है, वो आपका माइंडसेट वहां पे कैसे काम करता है तो वो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी आप अगर पढ़ के गए हो कोई पर्टिकुलर चैप्टर, क्वेश्चन लगा के गए हो, तो आई एम 100, हाँ वैसे तो 100 तो नहीं, 99.9% श्योर हूँ कि आप वो क्वेश्चन पेपर में बना लेंगे। समझ गए? तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको किस तरीके से देखना है चीजों को, आपको इस तरीके से देखना है, आपको डेली क्लास इस मोटिवेशन के साथ अटेंड करनी है कि मैम आज की क्लास में हमारे 4 नंबर बन रहे हैं, और जितनी भी केमिकल काइनेटिक्स की मैं क्लासेस ले रही हूँ उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन बनने के पूरे 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 चांसेस रहते हैं। तो मतलब आप डेली क्या सोचोगे कि हाँ आज की क्लास में से हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो आज की क्लास को हमें सीरियसली सुनना है और जो मैम क्वेश्चंस देगी वो हमें लगाने हैं। ठीक बात है ना, है ना? ऐसा ऐसे हम पढ़ेंगे ना तो मोटिवेशन बना रहेगा, डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं, और कभी आए तो अपने वो तो आता होगा, आई नो, अगर आए मन को समझा लेना कि नहीं कर लेंगे हम लोग, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, ये वाले 2 क्वेश्चन बेटा बहुत बच्चों के नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा इसको मैं रिवीजन असेसमेंट में ही ले लेती हूँ। एक बार आप प्लीज इसको करने का ट्राई करो, जिसका हो गया था वो हैंड रेस कर लो, एंड जिसका नहीं हुआ था तो मैं बता दूंगी बेटा। हुस्नवाज बेटा क्लास ज्वाइन कर लिया है? ओके, मुस्कान, दक्ष, मिसबा, प्रियांशी, पीयूष, शगुन, वेरी गुड, वेरी गुड मेरा बेटा। प्रियांशी आप बताओगे? मैम, मेरा आंसर ऑप्शन सी आया है। हैं, पर इसका तो बी आना चाहिए था, सी कैसे आ गया, कैसे किया तुमने मुझे बताओ। मैंने ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी का फॉर्मूला लगाया है। क्या फॉर्मूला होता है 0 ऑर्डर के लिए प्रियांशी? मैम, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी का लगाया है। अच्छा, 80 माइनस A0 इज इक्वल टू -KT, यही फॉर्मूला होता है, तुमने शायद माइनस कॉमन ले लिया होगा। ठीक है, यस मैम। पहले तो ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ तो कोई मेंशन ही नहीं किया हुआ है कि दिस रिएक्शन इज 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो हाउ डू यू नो, कैसे पता? मैम, वैल्यू दी है ना, उसमें जो यूनिट है मैम, वो 0 ऑर्डर की हाँ होती हाँ है। वेरी गुड वेरी गुड। के की यूनिट मैंने अभी बोला कि जब भी तुम्हें मेंशन ना हो कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो अपन कन अपनी नजर नजरे कहाँ जाएंगी, अपनी नजरे जाएंगी ये रेट कांस्टेंट की तरफ, तो रेट कांस्टेंट से आप पता लगा लोगे कि आपकी कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है मिसबा मेरा बेटा, मिसबा हो गया था ये क्वेश्चन, वेरी यस गुड। ठीक है, तो अब आगे क्या किया तुम लोगों ने, आपको क्या इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है, लेकिन आपको निकालना क्या वो देखो, आप निकालना क्या ये देखना एक बार, आपको निकालना व्हाट वुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट याद है मेरी वो बातें कि अगर मान लो ए से तुम्हारा 2B बन रहा है लेग से, तो हम मान लेते स्टार्टिंग में ये ए होगा, ये 0 होगा, कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ गया होगा, तो ये कितना बना होगा 2x, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 2x, है ना, यू हैव टू फाइंड आउट द यस कंसेंट्रेशन एट टाइम टी बी के लिए, और ये कितनी है 2x, और x कितनी आ रही थी याद करो, x की वैल्यू क्या आ रही थी, अपने नोट्स ओपन कर लिया करो अगर भूल जाते हो तो, KT वैल्यू थी, अब पेपर में निकालने थोड़ी ना बैठोगे बार बार, याद रखो 2 KT। अपने पास रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है मिस बा, मिस बा रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू बताओ।
1.0 × 10⁻³। और टाइम कितना है? 100 मिनट। मिनट को किसी में चेंज नहीं करना है क्योंकि मिनट में ही आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट भी है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। प्रियांशी कहाँ गलती हो रही थी बेटा? मैम कैलकुलेशन में है। अच्छा, तो ध्यान रखना कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है जी। दिशा हो गया था क्या? दिशा नो मैम नहीं हुआ था, ये अभी हो गया क्या? यस मैम। ठीक है, आई होप जिनका नहीं हुआ था हो गया होगा। मेरे को थम्स अप देते रहा करो और अनम्यूट करके बात करते रहा करो। अगर बात करोगे तो क्लास में जो है मजा आएगा, अदरवाइज बोर हो जाओगे वरना फिर। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन ये बेटा, इसको देखो कैसे अप्रोच करना था। हालांकि इसका आंसर मैंने बता दिया था 75 मिनट्स, बट इसको आपने अप्रोच कैसे किया? हैंड रेस कीजिए मेरे बेटा, कौन बताने वाला है? वेरी गुड, पीयूष का हो गया है। और मुझे दिख नहीं रहा है किस किस ने हैंड रेस किया है। एक बार करो दोबारा से। किसी का नहीं हुआ था आई थिंक। इसमें बहुत प्रॉब्लम आई आपको। आयुष हुआ था क्या ये क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। और बताओ, दक्ष, दीप्ति, दिशा, खुशी, हुदा, महक, मुस्कान, पलक? अरे नो मैम, नहीं हुआ था। किसी का नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, पीयूष बताएगा फिर। मैम हमें इस वाले क्वेश्चन के अंदर टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 15 मिनट, और इसके अंदर बोला गया है कि जो कंसंट्रेशन है ए वो रिड्यूस होके 1/4 हो गई है। तो इसका मतलब, और हमें टाइम निकालना है उस टाइम पे, तो मतलब हमें टी 75% पे निकालना है। हाँ। तो टी 75 का हमें फॉर्मूला पहले से पता है कि वो 3a/4k होता है। वेरी गुड। हाँ। और फिर उसके अंदर हमने उसका रिलेशन जानती है, वो जो टी हाफ होता है वो a/2k होता है, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो फिर इसके अंदर हम जो उसकी वैल्यू है हम 3/2 50 कर देंगे और हमारा 75 आंसर आ जाएगा। क्या बात है, अपने आप किया था ये, हेल्प वाली थी मैम, अपने आप भाई से, सुमित से हेल्प ली थी क्या? नो मैम, खुद से किया था। अच्छा ठीक है, इधर देखो बेटा क्या बोला हुआ है। देखो पहले तो आपको ये बता दिया उसने कि आपकी जो रिएक्शन है मेरा बेटा वो कैसी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ तुम्हें दी हुई है, राइट। आपको क्या निकालना है? द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आपको वो टाइम बताना है जब कंसंट्रेशन ऑफ ए यानी कि ए टी एट टाइम टी किसी भी टाइम पे कितना हो गया है, 1/4 ऑफ इनिशियल, यानी कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी मेरा बेटा, जो इतना हमारा बच गया है 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी, यानी कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी, यस और नो? क्या ये बात तुम यहाँ से निकाल पाए थे इन्फॉर्मेशन? तो यानी कि तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है T75%। और T75% का मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला तुम्हें बताया। अब ये मत सोचना मैम जेई मैं नीट में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है, अगर उनको पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो इस टाइप के क्वेश्चन वो देगा, बट तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अपन सारे मतलब जहां तक एनटीए सोच सकता है ना कि ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, अपन वो सारे डिस्कस कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है? अच्छा, तो ये T75% का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था फॉर्मूला 3a0/4k, जहां पे a0 क्या है मेरा बेटा, a0 तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्या तुम इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है? मैम दे तो नहीं रखी। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता रही हूँ जिससे आप कम टाइम में निकाल लेंगे।
तो आप क्या करो ना, टी 75% का रिलेशन निकाल दो टी हाफ के साथ. मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, 2 × 2 लिख दू, और हमें पता है ए नोट बाई टू के क्या होता है, टी हाफ होता है. तो मैं टी 75% इज इक्वल टू 3/2 × t½ लिख दू, क्या चलेगा? है ना, तो आपको टी हाफ दिया हुआ है ऑलरेडी. कितना दिया हुआ है मेरे बेटा, 50 मिनट दिया हुआ है. तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75 मिनट. ठीक है जी, चेक कीजिए. और अगर आपको नहीं पता, मैम हम तो भूल जाएंगे पेपर में, मैम हम तो भूल जाएंगे पेपर में, कोई बात नहीं. अगर भूल जाते हो तो निकाल लेना इस फॉर्मूले से, AT - A0 - KT, है ना, टी निकल जाएगा और टी कितना आएगा तुम्हारा, इतना ही आएगा. ठीक है, अगर तुम मान लो भूल जाते हो रिलेशन, टी 75% मैम ने क्या बताया था, तो इट्स ओके, आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो फॉर्मूला यूज करके. क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा सबसे, क्या प्लीज कंफर्म कीजिए. यस मैम. यस मैम. चलो थम्स अप दे दो. यस जल्दी से. शगुन वेरी गुड, बोलते रहो बोलते रहो, क्लास का माहौल बनाते रहो. ठीक है, वेरी गुड. चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से. तो बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या था, जिसमें रेट मेरा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर 1 के, है ना. तो इसमें मैंने कुछ आपको डिराइव भी करवाया था, याद आ रहा है कौन कौन से फॉर्मूले जो है मैंने आपको डिराइव करवाए थे. एक तो ये था के इज इक्वल टू 2.303/t log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन. ठीक है, आप इसको ln में भी लिख सकते हो, के 1/t ln ए नोट बाय ए टी, है ना जी, बोलो. और क्या लिख सकते हो, एक और बताया था ए टी इज इक्वल टू ए नोट इरेज टू द पावर माइनस के टी. ये ई क्या था मेरा बेटा, ई था तुम्हारा एक्सपोनेंशियल. ठीक है, ये तुम्हारा रेट कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना छोटा के ही यूज करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स में. अगर मैं कई बार पढ़ा सॉरी अगर मैं बड़ा के लिख देती हूँ तो समझ जाना मैम ने गलती से लिख दिया, क्योंकि बड़ा जो के होता है बेटा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, छोटा वाला के रेट कांस्टेंट होता है. ठीक है बेटा, तो बहुत सारे के आप लोगों ने पढ़ लिए हैं. कौन सा वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का था भाई? बेटा ये तीनों फॉर्मूले तुम्हारे फर्स्ट ऑर्डर के हैं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था. ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया था. नाउ अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन. मान लो तुम्हें क्या दे दिया जाए, तुम्हें ये दे दिया जाए, ए से प्रोडक्ट बन रहा है मेरा बेटा. ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या, टाइम जब जीरो था तो ए थी कंसंट्रेशन, मतलब मोल्स की टर्म्स में ले लो, ए मोल्स थे और प्रोडक्ट कुछ नहीं बना था. कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ माइनस हुआ होगा और ये एक्स बना होगा, यस और नो? ठीक है, अच्छा अब हम इसमें फॉर्मूला, देखो मैं फिर बोल रही हूँ, जो जो डेरिवेशन आपको याद रखनी है वो रखोगे. देखो क्योंकि अपा बेटा वी हैव टाइम एंड अपन डिटेल में कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैं सारी चीजें आपको कराऊंगी. बट जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, या जब हम 4-5 महीने बाद जब तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाएगा, हम क्रैश कोर्स चला रहे होंगे, तो उस क्रैश कोर्स में सिर्फ आप वही चीजें करके जाएंगे जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, समझ रहे हैं? बट अभी आपको सारा पढ़ना है, क्लियर है? चलो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूंगी, ये वाला, कौन से वाला, ये वाला. अगर आपको याद हो तो मैंने उसमें भी जीरो ऑर्डर में भी यही यूज किया था, मतलब जीरो ऑर्डर वाला, ये तो फर्स्ट ऑर्डर वाला है. ए टी क्या है मेरा बेटा, ए माइनस एक्स है लेफ्ट अमाउंट, और ए नोट क्या है, ए है इरेज टू द पावर माइनस के टी. क्या करूं अब, बोलो क्या किया जाए? कॉमन ले ले, एक्स को वहां भेज दो और इसको यहां ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1 - e^(-kt) इज इक्वल टू एक्स. बोलो आया, आ गया? अब यहाँ पे एक क्लाउड बना के लिखो, चांसेस आर रेयर कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, दैट दिस फॉर्मूला बेस्ड
क्वेश्चन विल कम इन नीट 2025. व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि 10 साल का मैं एनालिसिस करूं तो इस फॉर्मूले बेस्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं आया है. ठीक है, तो ये नोट सो इम्पोर्टेंट है, बट अभी के लिए आपको इसको पढ़ना है. इज इट क्लियर? यस मैम. मिसबा का नेटवर्क इशू हो रहा था. ठीक है क्या मिसबा, है क्या क्लास में? नहीं है, चलो कोई बात. इधर आओ. नेक्स्ट अपना था हाफ लाइफ. हाफ लाइफ I have already told you ना, half life में क्या था मेरा बेटा? What do you mean by half life? कि 50% of the reactant क्या कर चुका है? 50% of reactant react at time t. आज तुम्हारा बेटा 20-21 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा बिठाऊंगी. ठीक है, तो आराम से बैठे रहो. ठीक है, 50% reactant जो है react कर चुका है at time t पे. यही था. अच्छा, मतलब जो तुम्हारा बचा हुआ कंसेंट्रेशन था वो किसके बराबर आ रहा था? ए नोट बाय टू. यही मतलब है ना, जब 50% रिएक्ट कर गया है, इट मींस 50% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीट, देन 50% ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट है ना, लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज ए नोट बाय टू. ठीक है जी. अच्छा, तो यानी कि जब टी हाफ हो जाएगा और हमारा ए टी इसके बराबर आ जाएगा, तो हमारा बेटा टी हाफ का फॉर्मूला क्या था? वट वॉज द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? कौन बताएगा मुझे? ये देखो, दक्ष को पता था मैम पूछेगी, इतनी जल्दी इसने टाइपिंग की है ना लड़के ने. ठीक बोल रहा है क्या दक्ष? दिशा ठीक है? यस मैम. 0.693/k इतना आया था अपना. और इसको आप क्या लिख सकते हो? आप टी हाफ को ये भी लिख सकते हो ln 2/k, क्योंकि ln क्या होता है मेरा बेटा? 2.303 log होता है. तो इनमें से भी पे भी क्वेश्चन जो है आपसे आ सकता है. तो ये नहीं कि सिर्फ ये रट के चले गए, पेपर में ये लिखा मिल जाए, मैम ये क्या होता था, ये तो पता ही नहीं, हमें पढ़ाया ही नहीं आपने, तो ऐसा मत करना. ठीक है, ln 2/k. तो मैंने कहा था इम्पोर्टेंट नोट क्या लिखूं? इम्पोर्टेंट नोट ये है कि हमारा जो हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसेंट्रेशन. या कोई कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी आ रही है बेसिकली. इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जबकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर क्या था? ए नोट बाय टू के था. उसमें क्या था हमारा? इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था. बट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्या ये मेरी बात क्लियर हुई मेरा बेटा? Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या हुआ? हमें देखना है वो वाला टाइम जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. मतलब हमें ये देखना है कि 100% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हुई. अब मुझे ये बताओ, अगर आप एज्यूम कर रहे हो कि 100% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट तो कुछ बचा ही नहीं. यस और नो? पक्का जी? तो अब क्या लगाओगे? सिमरन आपकी फर्स्ट क्लास है क्या बेटा? सिमरन अच्छा ठीक है. मुझे ऐसा लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आपको. ठीक है, तो अपने पास वो क्या है, फॉर्मूला क्या है? At is equal to A naught. आप देख रहे हो ये वाला फॉर्मूला भी ज्यादा पॉपुलर है ना, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना. चलो, तो यहाँ पे At क्या है? जीरो है. और अगर At जीरो है तो आपका ये जीरो हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? e raised to the power minus kt जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पे बेचा जो टाइम आएगा ना 100% कंप्लीशन टाइम, वो कितना आएगा? इन्फिनिटी. जब आप इसको सॉल्व करते हो, जो कि आपको नहीं ज्यादा देखने की जरूरत है कि थोड़ा मैथमेटिक्स है इसमें, डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि जो टी 100% आएगा ना, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे जब ये टी, तो वो कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा. इससे क्या समझे थे? मतलब रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो रही है, उसको इनफाइनाइट टाइम लग रहा है. मतलब
रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिएक्टेंट कुछ ना कुछ तो बचेगा ही बचेगा. नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो. फर्स्ट ऑर्डर नेवर नेवर गोज टू कंप्लीशन. क्लियर है क्या? यस मैम. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ मैं. फर्स्ट ऑर्डर नेवर गोज टू कंप्लीशन. और ऐसी कौन सी वाली रिएक्शंस होती हैं बेटा? ऐसी होती है रेडियो एक्टिव. सुना है ये रेडियो एक्टिव डिके? ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो, सुना है? रेडियो एक्टिव स्पीसीज जिनका हाफ लाइफ कम होता है और वो उनका जल्दी से वो हो जाता है, डिके हो जाता है. तो जितने भी रेडियो एक्टिव स्पीसीज हैं वो क्या फॉलो करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं. फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट बचा ही रहता है, पूरी रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती है. याद रहेगा? यस मैम. ये मैं क्यों बता रही हूँ? हाँ हाँ बोलो, किसने हैंड रेस किया? यस मुस्कान. मैम इधर ई क्या है, एक और बता दीजिए. ई बेटा एक्सपोनेंशियल है, बताया था ना अभी क्लास के स्टार्टिंग में. ठीक है ओके. हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैंने क्यों बताया बेटा, ये क्यों बताया? क्योंकि कई बार क्या होगा ना, आपको ना तो पेपर में पता होगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ना ही उसने कुछ रेट कॉन्स्टेंट का जिक्र किया होगा. वो सिर्फ ये बताएगा कोई रेडियो एक्टिव स्पीसीज है जिसका डिके हो रहा है, इतना 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 वो हो रहा है. आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का, ठीक है, जहाँ पे रेडियो एक्टिव स्पीसीज की बात की गई है, लेकिन वहां पे आपको पता नहीं रखा है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है. तो वहां पे आपको समझ जाना पड़ेगा, खुद से ही अंडरस्टूड होना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन होंगे वहां पे फर्स्ट ऑर्डर वाले का लगाओगे, फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे. क्लियर है? यस मैम. और मेरा बेटा ये जरूर ध्यान रखना, जो यहाँ पे ये है ना, एक फॉर्मूला मैंने और भी बताया था, याद हो तो, 2.303/t log a by a minus x. क्योंकि मेरा बेटा अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा ना a क्या है, x क्या है, a minus x क्या है, सवाल हिला नहीं पाओगे केमिकल काइनेटिक्स का. समझ आ रही है? यू शुड नो अबाउट व्हाट इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यू शुड नो अबाउट व्हाट इज ए माइनस एक्स दैट इज लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी, एंड यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द एक्स, एक्स इज कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है, या यू कैन ऑल्सो से कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, दिस इज एक्स. ठीक है चल नेक्स्ट हम चलते हैं. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन याद है मैंने फर्स्ट जीरो ऑर्डर में बताया था. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप अल्फा से डिनोट कर रहे हो. ये क्या होता है, कितने स्टार्टिंग में मोल्स लिए थे हमने, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली, और उसमें से कितने रिएक्ट कर गए, यही था ना एक्स बाय ए. अब तुम मुझे ये बताओ एक्स की वैल्यू अपन ने क्या निकाली है. एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, ये वाली देखो, ए ए 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी डिवाइडेड बाय ए. तो यानी कि अल्फा कितना आ जाएगा, 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के टी. और ये भी एक ऐसा वाला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, जो पेपर में अभी तक तो फिलहाल नहीं पूछा गया है, और आगे भी चांसेस क्या है कम है, बट फिर भी आप एक बार क्या कर लेना, इसको पढ़ लेना. ठीक है जी बताओ. चलो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मेरा बेटा, इधर आओ. सबसे पहला है, मैंने आपको टी हाफ क्या बताया है, टी हाफ मैंने बताया है 0.693 बाय के. क्या आप मुझे बेटा टी 75% बता सकते हैं कितना होगा, एंड क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि टी 87.5% कितना होगा, निकाल सकते हैं? हाँ या ना, निकाल सकते हैं क्या? ये वाला फॉर्मूला यूज करो सारे बच्चे, एल एन 80 बाय ए नोट बाय 80. यानी कि यहाँ पे टी 75% का मतलब क्या है, कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कौन बताएगा मुझे रिएक्शन कितनी कंप्लीट हो गई है मेरे बेटा? 3/4. तो बचा कितना होगा रिएक्टेंट? 1/4. तो 80 क्या लोगे, ए नोट बाय 4 लेना, फिर ए नोट बाय 4 लेना, ए नोट बाय 4 लो सारे बच्चे.
क्या आ जाएगा ये के वन बाय टी एल एन फोर, और एल एन फोर को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू का स्क्वेयर, टू आगे आ जाएगा वन बाय टी टू एल एन टू, तो टी क्या आ जाएगा, टी 75%, इसको मैं अभी रेज कर दूंगी, तो ये वन बाय कितना आ जाएगा मेरे बेटा, वन बाय के टू एल एन टू, और आपको पता है एल एन टू बाय के क्या होता है, टी हाफ होता है, तो यानी कि टी बेटा क्या लिख रही हो शिवानी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये टू टी हाफ आ जाएगा। बेटा तुम उस पे क्यों जा रही हो, तुम तो वो बता रही हो मुझे, जीरो ऑर्डर में ही घूम रहे हो अभी तुम, क्या टू टी हाफ हो जाएगा। देखो इस तरीके से निकाल सकते हो क्या, एक बार एक काम करो, ये तो मैंने निकाला, तुम अपनी तरफ से निकालो, जल्दी निकालो, तुम एक काम करो इसका निकालो, जब 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो कितना बचेगा आपका, 12% बचेगा। करना इसको सोल्व, आप ऐसे भी कर सकते हो, 2.303 बाय टी लॉग ए नोट बाय 80, ए नोट अगर आपका 100% है तो 80 क्या हो जाएगा यहाँ पे 12.5 हो जाएगा, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। जल्दी से मुझे बताओ टी 87.5% और टी हाफ का क्या रिलेशन आ रहा है, जल्दी से वेरी गुड पीयूष। तनिष्क आज बेटा लेट कैसे हो गया, तनिष्क मैम नेटवर्क इशू था। ओहो कब जाएगा ये नेटवर्क इशू, ये कब मतलब कब रिजोल्व होगा, कुछ हमेशा से ऐसा रहता है या अभी कुछ टाइम से हो रहा है? मैम अभी कुछ टाइम से हो रहा है, नहीं तो सही चलता। अच्छा तुम मेरे को कह रहे थे ना मैम इशू था तो रिजोल्व हो जाएगा, तो इसीलिए पूछ रहे हो तुमसे। विस्पा तुम्हारा भी नेटवर्क इश्यू है क्या बेटा? यस मैम। अरे पापा रिकॉर्डिंग देख लेना भाई। हाँ कितना आ रहा है जल्दी बताओ, सारी चीजें नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है आपको खुद भी निकालना पड़ेगा। कितना आ रहा है 2.07 बाय के, रिलेशन ये आ रहा होगा 3t हाफ। रिलेशन ये आ रहा होगा बेटा 3t हाफ, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखने हैं तीनों रिजल्ट्स, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। वेरी गुड, जिसका भी आ गया 3t हाफ बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आया है एक बार निकाल के देख लेना, ठीक है जी। अच्छा एक बार बताओ यानी कि क्या मतलब है मेरा बेटा इसका, इधर आना। अगर मान लो तुम्हारी लेफ्ट अमाउंट, लेट से कि तुम्हारा स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन है 100 मोलर, ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं तुम्हारा कितना रह गया 50 मोलर, 50 मोलर, यानी कि ये टी हाफ है, मतलब इसको टी हाफ बोलेंगे ना, कि कितना परसेंट रिएक्ट कर गया और कितना बच गया अपना, 50 बच गया, ठीक है। अगर मान लो अब तुम्हारा आधा और खत्म हो गया और ये 25 बच गया, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगी, ये भी टी हाफ है, क्यों, क्योंकि टी 75% क्या आ रहा है मेरा बेटा, 2t हाफ आ रहा है, यानी कि जब आपकी कंसंट्रेशन 100 थी तो उसको बताओ 25 होने में 25 होने में कितना टी हाफ चाहिए, 2t हाफ चाहिए, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और अगर मान लो इसका भी आधा कर दो, इसका आधा कितना होगा 12.5 होगा ना 25 का, तो अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो गई है, यानी कि 12.5% ही रिएक्टेंट बचा है, तो उसके लिए कितनी टी हाफ लगेंगी मेरा बेटा, उसके लिए 3t हाफ लगेंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगर मैं बोलूं बेटा, अगर मैं बोलूं तुम्हारी एक्स हाफ लाइफ है तो तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी कितना बचेगा, कोई मुझे बता पाएगा? अगर तुम्हारी एक्स हाफ लाइफ है तो कंसंट्रेशन जो है कितना बचेगा, या इसको आप ऐसे भी समझ सकते, इधर आओ देखो, ये आधी होगी ना, मतलब इसकी कंसंट्रेशन भी आती होगी होगी, ठीक है, ये और आधा हो गया यानी कि ये कितना हो गया 2 की पावर 2 हो गया होगा, और आधा हो गया तो यानी कि ये कितना हो गया होगा, ए नोट डिवाइडेड बाय
आपका 2 की पावर 3। ऐसे करो, स्टार्टिंग में कितना था, 100 था, हाफ हो गया, मतलब कंसेंट्रेशन भी कितनी हो गई, 80 क्या हो गया, a0/2। उसके बाद कितना हो गया, और आधा कर दो, a0/2 की पावर 2। उसके बाद और आधा कर दो, a0/2 की पावर 3। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या बता रही थी, यहाँ पे लिखो आफ्टर, वैसे मुझे एक पेज और चाहिए होगा, आफ्टर एक्स हाफ लाइव्स, जो आपका 80 होगा वो क्या होगा मेरा बेटा, क्या मैं ये लिख सकती हूँ, a0/2 की पावर x, यस और नो? यस मैम। बताओ, लिख सकती हूँ? वेरी गुड। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा मेरा बेटा कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन और हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। वैसे तो तुम निकाल भी सकते हो, बट पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि तुम निकालने बैठो, इसीलिए ट्राई करो कि ये 3 रिलेशन तो तुम्हें टिप्स पे रटे होने चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया बेटा तो निकालने नहीं बैठोगे वहां पर। वहां पे तो आपको पता है ना, 180 क्वेश्चंस करने हमें 180 मिनट्स में, तो वहां पे हमें कोशिश करनी है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इसको सॉल्व करने ना बैठे, डायरेक्ट रिजल्ट याद हो हमें। अब तुम्हें वो होगा कैसे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस करोगे चीजें उतनी जल्दी से याद होंगी। ठीक है, अब तुम्हें कौन कौन से रिलेशन ध्यान रखने हैं बेटा, यहाँ पे लिख लो, मैंने कुछ लिखे हुए हैं तुम लोगों के लिए। एक है, अगर वो तुम्हें बोले 93.75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो उसमें जो रिलेशन होता है वो होता है t50%, और इसको t हाफ की जगह ना यहाँ पे, क्योंकि परसेंट में लिख रहे हैं ना, तो 50% लिखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और कौन सा रिलेशन करना है, लिखो सारे बच्चे। फिफ्थ रिलेशन है t 90%, अगर वो बोले बेटा 90% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3.3 टाइम्स ऑफ t 50%। अगर वो बोले, सिक्स्थ रिलेशन लिखो, कि 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गए, तो आपका रिलेशन आएगा 6.66 टाइम्स ऑफ t 50%। अगर वो आपको बोल रहा है कि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो ये अराउंड आता है 10t½ के इक्वल। और अगर वो तुम्हें बोल रहा है t 99.99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो वो अराउंड आता है 13.34t½। क्या हो गया, ज्यादा लग रहा है? कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ इसमें से आपको कौन सा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड ये वाला सेवेंथ वाला, यहाँ पे t 50% कर लो। ठीक है जी, इतना तो कर सकते हो ना, और एक ये वाला फॉर्मूला। अगर सारा याद नहीं होता, इट्स ओके, पेपर में निकाल लेना, चांसेस भी कम है बाकी चीजों का पूछने का। मेन वो टी हाफ का पूछता है, t 75% का पूछता है, t 87.5% का पूछ लेता है, और t 99.9% का पूछ लेता है। ठीक है क्या? चलो आगे चलें, चलो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे ग्राफ, क्योंकि मैंने कहा था ग्राफ तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है ही, तो ग्राफ हम करते हैं स्टार्ट। डाली हेडिंग, ओके। तो सबसे पहले अपना क्या है मेरा बेटा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। अब तुम मुझे बताओ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन में कैसा ग्राफ आएगा, सोचो, बनाओ बनाओ, अपनी नोटबुक में बनाओ। रेट क्या था बेटा फर्स्ट ऑर्डर की केस में, यही था, यस और नो? प्रियांशी कह रही है हाँ मैम यही था, शिवानी कह रही है मैम यही था, बस 3 बच्चों को लगता है, ओके। अभी भी ज्यादा बच्चों को तो नहीं लगता, 10-1 बच्चों को लगता है कि मैम यही था। ठीक है, मतलब बाकी बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो बेटा जब मैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट, अब ये कौन सी कंसंट्रेशन है, कोई इसको इनिशियल कंसंट्रेशन तो नहीं समझता ना, ये वो कंसंट्रेशन है जो टाइम टी पे है। अभी भी कंफ्यूज मत होना, अभी नीट में एक सवाल भी आया था, आपको दिखाऊंगी। तो बेटा रेट वर्सेस अगर आप कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे मेरा बेटा, तो कैसी इक्वेशन बन रही है, ये y = mx + c वाली इक्वेशन बन रही है,
इंटरसेप्ट हमारा जीरो है तो ओरिजिन से पास होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ग्राफ है 80 वर्सेस टाइम। तो अब मुझे ये बताओ, क्योंकि जब भी आप ग्राफ बनाओगे बेटा, उसके लिए आपको वाई एक्सिस पता होना चाहिए और एक्स एक्सिस पता होना चाहिए, और फिर उन दोनों में क्या रिलेशन निकल के आएगा वो आपको पता होना चाहिए, और ये सबके लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो बताओ इसका ग्राफ मैं कौन से फॉर्मूला की हेल्प से बनाऊंगी, कौन बताएगा? तनिष्क, आपने लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया है क्या, लास्ट वाले क्लास का? नहीं देखिए बेटा, जल्दी से देखो। और बेटा सैटरडे को हमारा नया कुछ नहीं होगा, सैटरडे को हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे वो होगा, रिवीजन सेशन होगा, सो दैट आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। तो जिन बच्चों का टेस्ट हो रहा है या जिन बच्चों का नहीं भी हो रहा है, तो आप लोग सभी क्लास अटेंड करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन वहां पे मैं करवाऊंगा। हाँ जी बताओ कौन सा वाला इक्वेशन यूज करोगे? हाँ पीयूष मैम, at is equal to a not e की पावर माइनस kt, यही तो करोगे ना, यही तो रिलेशन बताया था। अब at क्या है बेटा, इधर देखो at y एक्सिस है और टाइम क्या है, x एक्सिस है, लेकिन ये y is equal to mx वाली रिलेशन नहीं है, तो ये क्या है y, आपका ये क्या हो जाएगा, टाइम क्या x एक्सिस है ना, तो ये तो इस टाइप का कुछ बन रहा है, देख रहे हो क्या, ये तो इस टाइप का कुछ बन रहा है, तो इसका ये स्लोप क्या हो जाएगा, इसको ये देखो इस टाइप का इक्वेशन बनता है। ये आपकी ये आप पढ़ते हो फिजिक्स में या मैथ्स में पढ़ते हो। तो अब एक बात देखो मेरा बेटा, ध्यान से सोचना, अगर तुम्हारा टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन एट टाइम टी कम होगा या ज्यादा होगा? अगर टाइम बढ़ रहा है तो ये माइनस में वैल्यू बढ़ेगी, और अगर माइनस में वैल्यू बढ़ेगी तो एटी कम नहीं हो जाएगा, हाँ या ना बताओ, सोचो। अगर टाइम बढ़ेगा तो ई रेस टू द पावर माइनस के टी बढ़ेगा, मतलब नेगेटिव में चीज बढ़ रही है, और नेगेटिव में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो एटी भी तो क्या होगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब कम होगा। और बेटा ये कम कैसे होगा, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल कर्व आता है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व आता है, लिख लो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व, ठीक है क्या, बोलो। ओके नेक्स्ट ग्राफ बनाओ, ये तो फर्स्ट ग्राफ था, ये सेकंड ग्राफ था, और ये बनाओ थर्ड ग्राफ, और ये फोर्थ ग्राफ, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो बनाओ कैसा ग्राफ आएगा, दिशा आपने नहीं रिवाइज किया क्या लास्ट वाला लेक्चर? अंशिका, दो अंशिका है, अंशिका आज कोई भी अंशिका नहीं बोल रही है, वाई, हां जी अंशिका रिवाइज नहीं किया ना लास्ट वाला लेक्चर, बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं इसमें? विस्पा चिक्का बताओ, एलएनए वर्सेस टाइम में बताओ कौन से वाला फॉर्मूला यूज करके ग्राफ बनाऊं? वेरी गुड, हाँ शिप्रा बताओ। अब बोल नहीं रहे हो, k इज इक्वल टू 1 बाय टी एल एन ए नोट बाय ए टी, क्योंकि ये ए टी तो है, ठीक है बेटा, ऐसे चुप रहोगे ना क्लास में कुछ मजा नहीं आएगा, बता दे रही हूँ मैं, है ना? ओके, तो आपको क्या करना है, किसके बीच में ग्राफ लोड करना है, ln 80 वर्सेस टाइम। तो इसको बेटा थोड़ा सा रीअरेंज अपने को करना पड़ेगा, कैसे करें, एक काम करते हैं 80 को ऊपर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस के टी ln 80 बाय ए नोट, ठीक है। और आपको पता है ln m बाय ln n की प्रॉपर्टी क्या होती है, ln 80 माइनस एल एन ए नोट। तुम्हें मुश्किल लग रहा है क्या चैप्टर?
क्या करवा दिया ऐसा मैंने जो तुम लोगों को मुश्किल लग रहा है मेरा बेटा? अभी तो मैंने क्वेश्चंस करवाए ही नहीं तुम लोगों को, मुश्किल क्यों लग रहा है? सिर्फ इस क्लास में 3 से 4 बच्चे जो मुझे होमवर्क शेयर कर रहे हैं, बाकी और कोई नहीं कर रहा। बेटा ऐसे नहीं चलेगा, आपको लगता है आप ऐसे चलोगे तो आपका 650 प्लस स्कोर आ जाएगा? आपको पता है ना नीट में कितना कॉम्पिटिशन है, पढ़ोगे नहीं तो डिमोटिवेशन तो आएगा ही। आप लोग सोल्व ही नहीं कर रहे, क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, ना ही रिवाइज करके आते हैं। एक बार बताओ एल एन ए वाला कौन सा, एक ही तो फॉर्मूला बताया मैंने फर्स्ट ऑर्डर में। ऐसे तो मैं करवा के चली जाऊंगी, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा और पूरा साल निकल जाएगा, क्योंकि जिस टाइम ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई ना बेटा, फिर तो आप ये पुराना रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारा 2 से 3 महीना तो ऑर्गेनिक चलेगी बेटा। 2 से 3 महीने ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चलेगी, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गई फिर तो आप फिजिकल करने का तुम्हें टाइम मिलेगा ही नहीं। यही टाइम है, इसको अपना अच्छे से करो, बहुत क्वेश्चन लगाओ, ठीक है? चलो तो क्या होगा मुझे बताओ, क्या करूं मैं? एल एन 80 को इधर ले रख लेती हूँ साइड में, और आ जाएगा माइनस 80 प्लस एल एन ए नोट। हाँ स्लोप बनेगा, कैसे बनेगा? स्लोप तो बनेगा ही, हर किसी में बनेगा, स्लोप तो आता ही है। तो ये कैसी वाली इक्वेशन है मेरा बेटा? दिस इज एल एन 80 है ना, और दिस इज टी। तो ये कैसे टाइप की इक्वेशन है? वाई दिस इज एक्स, दिस इज स्लोप और ये इंटरसेप्ट। तो कैसा ग्राफ आएगा? नेगेटिव स्लोप कैसा आता है मेरा बेटा? ऐसा आता है ऐसा, और पॉजिटिव स्लोप ऐसा जाता है। तो इस तरीके का आएगा कोई ग्राफ, देखना एक बार। यस मैम। और इसमें स्लोप क्या है? माइनस के है, ठीक है? एंड आपका वो क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? एल एन ए नोट, ठीक है क्या? यस मैम। और बेटा एक चीज ध्यान रखना, पेपर में ये वाला ग्राफ भी आप लोगों से पूछा गया है पहले। तो जब आप लोग 80 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उसमें स्लोप हो जाएगा माइनस के बाई 2.303। ये आप बना के देखेंगे, क्योंकि ये नीट में आएगा, ठीक है? क्योंकि एलएन को लोग में कैसे चेंज करते हैं, 2.303 लो, तो फिर उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है? ये क्या होगा, टी हाफ वर्सेज इनिशियल कंसेंट्रेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ ये तो क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। तो ये तो इनिशियल कंसेंट्रेशन आप चेंज करते रहो, टी हाफ पे कोई फर्क ही नहीं आएगा। तो इस तरीके का क्या बन जाएगा ग्राफ, कैसा इमेजिन कर रहे हो? ऐसा, बताओ। यस मैम। वेरी गुड। अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस। तो तुम्हारी स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करने का, इसको करने का ट्राई करेंगे सारे बच्चे, ट्राई करो सारे बच्चे। वेरी गुड, हैंड रेज कीजिए, शाबाश मेरा बेटा। बाकी बच्चे सोचो, आंसर ना निकालो इट्स ओके, बट एटलीस्ट अप्रोच बता दो मेरे को। करो करो, वेरी गुड, शाबाश। ओके अरे शिखा ने तो पहले ही बता दिया है, दक्ष, प्रियांशी, शगुन, पीयूष, दिशा, दीप्ति, शिखा। ओके वेरी गुड। हाँ शिखा, कैसे किया बेटा मेरे को बताओ, एक्सप्लेन करो। मैम 80 इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी वाला फार्मूला लगाया। वो वाला क्यों लगाया? इसमें तो फिर दिक्कत नहीं होगी तुम्हें?
इसको कैसे किया आगे? क्या किया शिखा इसके आगे बताओ एक बार मेरे को। एटी की वैल्यू पुट करिए और ए नॉट की वैल्यू, मतलब सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व किए। तो एक्सपोनेंशियल आपने कैसे सॉल्व किया? एक्सपोनेंशियल तो सॉल्व करना सिखाया ही नहीं मैंने। देखो ना आप इसमें ये मत लगाओ मेरा बेटा, देखो ध्यान से सुनो, जो आप फॉर्मूला यूज, माना कि वो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, बट जो आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा ना ज्यादातर आप कौन सा यूज करोगे, मैं ये नहीं कह रही उससे निकल नहीं सकता, बिल्कुल निकल सकता है, बट हम दो तीन फॉर्मूले क्यों बताते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन जिस फॉर्मूले से आपका इजिली सोल्व हो जाएगा वो आपको लगाना है। तो इसमें आप ये वाले फॉर्मूले लगाइए 2.303 बाई टी लोग ए बाई ए माइनस एक्स या ए नोट बाई ए टी, ये वाले फॉर्मूले आपके नीट में ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रियांशी क्या लगा करा तुमने बताओ मेरे को। मैम मैंने t is equal to 2.303 upon k log not upon a का फॉर्मूला लगाया है। a कितना दिया हुआ है मैम? a मैम 2 दिया हुआ है। 2 दिया हुआ है और a minus x कितना दिया हुआ है मैम? 0.2। वेरी गुड, ठीक है ठीक है शिखा, तो ऐसे करना है। और k कितना दिया हुआ है? 4.606 into 10^-3। अब ध्यान से इस इक्वेशन को, इस स्टेटमेंट को, इस क्वेश्चन को पढ़ो, वो पूछ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कितना टाइम तुम्हें रिक्वायर्ड होगा टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब 2 ग्राम रिएक्टेंट था, अब वो रिड्यूस होके कितना हो गया है, कितना बच गया है 0.2। तो जब ऐसे फॉर्मूले आ जाए ना, रिड्यूस 2 पॉइंट, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ जाए रिड्यूस इतने ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू इतना, तो मतलब वहां पे आपको ए नोट की वैल्यू भी गिवन है, ए टी की भी वैल्यू गिवन है, ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें उसमें भी मिलेगा क्वेश्चन में। कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे अगर नहीं लगे थे आपके तो अब लग जाएंगे, क्योंकि अब हम क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो लॉग 10 हो जाएगा और लॉग 10 1 नहीं आता है, तो इसको सोल्व कर लीजिए सारे बच्चे। तो ये क्या हो जाएगा 4.606, ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 500 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, जल्दी से मुझे थम्स अप दो। यस मैम, ठीक है, यस मैम। ओके, ट्राई टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड करो मेरे बेटा। नहीं 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 आंसर नहीं बताना दक्ष, प्रियांशी, शगुन, नहीं बेटा, पहले आपको हैंड रेस करना है, देन मेरे को उसका कॉन्सेप्ट बताना है, फिर उसके बाद करना है ना। हैंड रेस कीजिए बच्चे, क्योंकि अगर आप लोगों का डी आ रहा है तो मैं पूछूंगी कि क्यों डी आ रहा है ना। अंशिका, दोनों अंशिका, आयुष, दीप्ति, दिशा, दिशा आज कहाँ पे है बेटा? यू आर नॉट एक्टिव। सुमायला, मोहद, ये मोहद बच्चा फर्स्ट टाइम दिख रहा है मेरे को बेटा। सना, साक्षी, वेयर आर यू बेटा? देखो आप कितना वेट कर रहे थे ना क्लासेस का, कि क्लासेस कब होंगी, सच बताओ, है ना। एक आपकी क्लासेस थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुई है, लेकिन जब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि इस बार तो स्टूडेंट्स कम होंगे तो ज्यादा उनपे फोकस कर पाऊंगे एंड सारे के सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है, आप लोग जवाब ही नहीं देते हो, किसी की भी क्लास में नहीं देते। हिमांशु सर ऑल्सो सेइंग कि नहीं बच्चे बोलते ही नहीं है क्लास में, मतलब क्यों नहीं कर लो आप? एक तो आपके मतलब इतना आप वेट कर रहे थे क्लासेस लगेंगे, इट मीन्स आप डिपेंडेंट हो अवंती क्लासेस पे, बट अगर आप लोग क्लास में नहीं बोलेंगे बेटा तो टीचर को मालूम ही नहीं पड़ेगा ये बच्चा क्या क्या सोच रहा है मन में, क्या डाउट इसको आ रहा है ना। एफर्ट मेरा तो चलो ठीक है, मैं तो एफर्ट मारूंगी एज अ टीचर,
अपना 200% दूंगी, बट जब आप लोगों की साइड से ही नहीं है, आप लोग नहीं एफर्ट मारेंगे, तो फिर मेरा कोई उसका फिर फायदा नहीं है ना एफर्ट मारने का। हाँ दिशा बताओ। कैसे किया मैम? मैंने 99% वाला फॉर्मूला लगाया, तो 6.66 इनटू टी हाफ करेंगे तो 6.66 को 0.693 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड। ओके तो आपने ये वाला फॉर्मूला मतलब रिलेशन यूज कर दिया। देखो अब देयर आर 99% चांसेस कि आपको नीट के पेपर में याद नहीं रहेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। रीजन क्योंकि आपके पास उस टाइम फिजिक्स भी करनी होगी, बायो भी करनी होगी एंड केमिस्ट्री भी करनी होगी। तो जो मैंने 3-4 रिलेशन याद करवाए वो तो करना ही है, बट मान लेते हैं इसका आपको नहीं पता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? रेट कॉन्स्टेंट के दिया हुआ है, आपको बताना है कितना टाइम हमें चाहिए होगा फॉर द कम्प्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स 99% ऑफ द रिएक्शन कम्प्लीट हो चुकी है, तो लेफ्ट अमाउंट कितना कितना बचा होगा, कितना परसेंट बचा होगा? 1%। तो K इज इक्वल टू आपको क्या निकालना है? टी निकालना। ओके तो टी क्या हो जाएगा? पहले तो बात है फॉर्मूला टिप्स पे याद होना चाहिए, वरना तो बचेगा ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, लोग स्टार्टिंग में मान लेते हैं हम 100% था, ठीक है 100% था, 99% रिएक्शन कम्प्लीट हो गया तो 1 बचा होगा, तो लोग 100 क्या होता है मेरा बेटा? बोलो कोई बताओ मुझे। टू होता है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.606/K। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? डी। इसलिए मैं कहती हूँ मुझे बताओ आप लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अगर मान लो पेपर में किसी को याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, इट सेम टाइम ही लगेगा, सिर्फ कुछ सेकंड्स का फर्क आ सकता है। ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चे हैंड रेज करिए, वेरी गुड शाबाश। बाकी बच्चे वेरी गुड, शगुन, सना, तृप्ति वेरी गुड, अंशिका, मुस्कान, परिधि। हाँ सना आप बताओ। मैम फर्स्ट ऑर्डर रेट। परिधि सना ठीक कह रही है क्या? यस मैम। क्यों क्यों फर्स्ट ऑर्डर होना चाहिए बेटा इसका आंसर मुझे बताओ, टेल मी मैम। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में उसके इंडिकेटर होते रहते हैं। हाँ हाँ बोलो। इनिशियल कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है टाइम के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ के, नो टाइम के, ध्यान रखना टाइम के नहीं होता टी हाफ। ठीक है टी हाफ इज इंडिपेंडेंट होता कंसंट्रेशन है ना, तो यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। 20 seconds है आपके पास। हाँ शगुन बताओ इसका कैसे किया? ऑप्शन ए 1। कैसे मैम? क्योंकि बोलो मैम इसमें बोला कि पहले रिएक्शन जो 50% कंप्लीट हो गई है टू हार में, तो उसमें ए बाय 2 हो जाएगा पहले तो, और सेकंड में सीधा रिलेशन लगा दो ना, T 75% बोला है 4 आर में हो जाएगा,
और मैंने आपको रिलेशन क्या बताया था, टी 75% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी 50%, मतलब अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है चार घंटे में, या मैं बोलूं 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 2 आवर में, तो 75% कितनी होगी 4 आवर में. इट मींस ये क्या है फर्स्ट. और ध्यान रखना ये वाले जो मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ ना, ये ऐसे नहीं किसी भी अंटेशन किसी भी ऑर्डर पे लगा दोगे ना, जीरो ऑर्डर वाले जीरो ऑर्डर में लगाने हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाले फर्स्ट ऑर्डर में लगाने हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा सारा क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद बेटा ये वाला क्वेश्चन है, आपको याद है क्या कि जब मैं आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक करा रही थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कुछ कुछ अलग अलग तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको रेट लो चाहिए होगा, जब रेट लो लिखोगे तभी आप ऑर्डर बता पाओगे, है ना. तो याद है आपको कि अगर कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कितने टाइम्स हो रही है, वॉल्यूम इतना रिड्यूस हो रहा है तो रेट कितना होगा, फिर आप ओवरऑल बताते थे. एलिमेंट्री के लिए आप क्या बताते थे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते ही आप ऑर्डर बता दोगे. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोवेस्ट स्टेप हो जाएगा, है ना, अगर उसमें इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट को रिमूव करना है. तो वो कुछ अलग तरीके थे आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के. कुछ और भी हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जो रीनीट हुआ है उसमें यही टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया था. तो आपको पहले तो ये पढ़ो दिया क्या हुआ है, अच्छे से पढ़ो. ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया एंड कुछ रिजल्ट जो है आपको एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये कुछ रिजल्ट आए हैं. आपको ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन दी हुई है, इनिशियल रेट दिया हुआ है, आपको क्या बताना है. वो कह रहे हैं कि इस ऊपर वाले डेटा को अच्छे से एनालाइज करो एंड आपको ये बताना है कि रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा. अब रेट लो एक्सप्रेशन बेटा कैसे बताओगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, हाँ या ना, तभी आप बता पाओगे कि रेट लो क्या होगा. अब इसको करने के दो तरीके हैं. एक तो तरीका है जो आप स्कूल में करोगे, जो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा. एक वो मेथड है जो आप नीट में करोगे जो कि 15 से 20 सेकंड में हो जाएगा. तो मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ, क्योंकि फिर जब आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे ना, एनसीईआरटी में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन है इस टाइप के, और पेपर में भी आते हैं तुम्हारे और नीट में भी आते हैं. तो स्कूल में कैसे करोगे, नीट में कैसे करोगे, प्लीज एक बार देख लीजिए. बेटा आप ना कोई भी क्या करो, तो एक्सपेरिमेंट ले लो, कंसिडर कर लो. लेट से तुमने अभी फर्स्ट जो है ये वाला कंसिडर कर लिया, फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है. अब फर्स्ट और फोर्थ में तुम कैसे लिखोगे, आपको पता है रेट क्या होगा, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यही होगा ना, हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो हमारे पास रेट कितना है बेटा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, ये मैं वो बता रही हूँ जो आप जैसे स्कूल में करोगे, प्लीज ध्यान से सुन लो. तो फर्स्ट कितना है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए रेट कितना है, इतना. कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 की पावर एक्स, क्योंकि वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, एंड बी के रिस्पेक्ट में क्या है, कंसंट्रेशन है ए, ठीक है. ऐसे आप एक और एक्सपेरिमेंट ले लो फोर्थ वाला, अभी मैं बताऊंगी मैंने यही एक्सपेरिमेंट क्यों चूज किए. तो इसका रेट क्या है, 2.40 × 10⁻²। तो इसका कितना है बेटा कंसंट्रेशन, मुझे बताओ ए का, जल्दी से कौन बताएगा, चुप बैठे हो सारे, बताओ कितना है, 0.4. वेरी गुड, 0.4. हमें नहीं पता ऑर्डर क्या है, एंड बी के रिस्पेक्ट में कितना है, 0.1, ठीक है. दोनों को डिवाइड करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना, और के से के कैंसिल हो जाएगा. अब मुझे बताओ क्या बचा, इसको 2.40 को मैं 24 × 10⁻³ लिख सकती हूँ क्या? Yes ma'am. ठीक है. और मेरे पास क्या आ गया, 0.1/4, तो इसको मैं 1/4 की पावर x लिख देती हूँ. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1/4. अब आपको क्या दिख रहा है, पावर कंपेयर कर सकते हो क्या, बेस सेम है तो x कितना आ जाएगा, 1. यानी कि मेरा बेटा a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1. ऐसे ही तुम क्या करोगे, ऐसे ही तुम बी का भी निकाल सकते हो. बी का कैसे निकालोगे, जब तुम एक्सपेरिमेंट और 2 और 3 को ले लोगे तो 0.3 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा मेरा बेटा, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकल जाएगा. दिस इज द मेथड विच यू यूज इन योर स्कूल एग्जाम्स, बट हमारा जो फोकस है वो नीट ओरिएंटेड है, ठीक है. हम नीट ओरिएंटेड ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हम विद इन 15 to 20 seconds ये क्वेश्चन नीट में कैसे सोल्व करेंगे. हाँ दिशा बताओ. अच्छा आंसर निकाल लिया था, ठीक है, ओके, वेरी गुड.
अब देखो नीट में कैसे करेंगे, क्या मैं इसको इरेज कर दूं जो ये वाला मैंने मेथड बताया, इसी तरीके से आप डीके भी निकाल सकते हैं कोई भी दो एक्सपेरिमेंट की बात करके, ठीक है। सो आई विल इरेज दिस, ठीक है। अब नीट में कैसे करोगे, देखो आपको क्या करना है मेरा बेटा, सबसे पहले तो मान लेते हैं कि मेरा जो फोकस है वो किस पे है, ए पे है, तो आप बी की दो ऐसी कंसंट्रेशन लो जो सेम है, कौन कौन सी है, फर्स्ट और फोर्थ वाली ले ली, छुपा लो इसको, छुपा लो। आप देखो जो ए की कंसंट्रेशन है, जब मैं बात कर रही हूँ ध्यान रखना, अब मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है अभी के लिए, तो मेरी कंसंट्रेशन ए की क्या हो रही है, 0.1 से 0.4 हो रही है, कितने टाइम्स हो रही है मेरा बेटा, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स हो रही है बताओ ना, टाइम्स 4 टाइम्स, और इसके करस्पॉन्डिंग रेट क्या है ये वाला, तो रेट भी क्या हो रहा है 4 टाइम्स हो रहा है, हाँ या ना, यस मैम, यस मैम हो रहा है। तो यानी कि बेटा अगर याद करो मैंने बोला था, अगर कंसंट्रेशन 4 गुना हो रही है, 4 टाइम्स हो रही है, रेट भी 4 टाइम्स हो रहा है, तो यानी कि ऑर्डर क्या रहा होगा, बोलो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा, शिखा, शगुन, सना, वन ही रहा होगा, भूल गए बताया था मैंने, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन की पावर 1, तो जितना कंसंट्रेशन ए में चेंज होगा उतना ही तो रेट पे भी उतना ही तो इफेक्ट पड़ेगा ना मेरे बेटा, समझ आई, याद आ गई वो जान, यस मैम। अब ये बताओ मुझे, मान लो मुझे बी का निकालना है, तो बी का निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, ए की दो कंसंट्रेशन ले लो जो सेम हो, यानी कि अब मेरा इनसे लेना देना नहीं। अब तुम मुझे बताओ 0.2 से 0.4 कितने टाइम्स कंसंट्रेशन का इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है, ये कितना हो रहा है, 4 टाइम्स, वेरी गुड, यानी कि अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हो रही है और रेट 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या रहा होगा, 2, आ गया आंसर, बोलो आ गया क्या, यस मैम। यानी कि अगर आपसे मान लो इसमें पूछ लेता ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर 3 है, अगर आपसे पूछा ए के रिस्पेक्ट में कितना है, तो 1 है, बी के रिस्पेक्ट में 2 है, और अगर रेट लो पूछता है तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा मेरा बेटा, करेक्ट हो जाएगा क्या, यस मैम। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करोगे, मैंने आपको शायद पहले भी बोला था, जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन होंगे आप वो दोबारा करके देखोगे, क्लास नोट्स वाले जितने भी क्लास, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपके क्लास नोट्स में मैंने करवाया है और आपको ना आता हो, फिर उसके बाद आप डीपीपी पे जाएंगे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब मेरे थ्रू जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, बेशक 100 क्वेश्चन मिले, 150 मिले, 200 मिले, बेटा 100-150 तो मैं करा ही देती हूँ, अगर मैं डीपीपी को मिला के बात करूं तो मेरी साइड से जो भी 150 क्वेश्चन गए हैं बेटा वो तो आप छोड़ेंगे ही नहीं, उसके अलावा आप मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि जब आप मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाएंगे ना, बहुत और भी अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डाउट आएंगे, थोड़ा सा नीट से ऊपर वाला लेवल बना के चलो, अगर पेपर टफ आ गया तो आप लोग कर ले, जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम करोगे, करो इसको ट्राई, इसमें ए नोट की कंसंट्रेशन ये दी हुई है, बी नोट की ये दी हुई है, आपको रेट लो बताना, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई, वेरी गुड बच्चों,
हाँ मुस्कान नहीं हुआ क्या? अरे बाबा हाँ सुमेला आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। कैसे किया बेटा? मैम क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट वन और थ्री है उसमें जो ए की कंसंट्रेशन है वो डबल हो रही है पर जो इनिशियल रेट है उसपे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ए की जो हमारा ऑर्डर आएगा ना वो मतलब जीरो हो जाएगा। वेरी गुड, तो उसकी कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी इसलिए। हाँ और बी में? बी में क्या है कि जब वो सेकेंड और सेकेंड और थर्ड में जब सॉरी सेकेंड और थर्ड में नहीं हाँ उसकी जो वो बी की जो वो है कंसंट्रेशन वो डबल हो रही है और जो उसका इनिशियल रेट है मतलब जो उसका रेट है वो उसमें एट टाइम बढ़ रहा है तो इसका जो ऑर्डर आएगा वो फोर टाइम्स आ जाएगा। फोर टाइम्स कैसे? टू की पावर थ्री, एट होता है तो थ्री हो जाएगा है ना। अगर 16 टाइम्स हो रहा होता ना तो फोर आता, टू टाइम्स है एट टाइम्स रेट हो रहा है, इट मींस बी के रिस्पेक्टिव ऑर्डर कितना मेरा बेटा थ्री है, तो सी इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है वैसे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, वेरी वेल डन सुमेला, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये देख लो दक्ष को, ये दक्ष को देख लो, मैंने कहा था ए से एम्स दिल्ली है, बी सी डी से तुम लोग बना के आए है, नहीं बना के आया ना, कल बना के आना। ये वाला क्वेश्चन मेरा बेटा होमवर्क रहेगा तुम लोग, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं भी नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे डाउट सॉल्विंग ग्रुप में बताएंगे, ठीक है? कहाँ बताएंगे? टेल द आंसर विद एक्सप्लेनेशन इन डाउट सॉल्विंग ग्रुप, और ये क्वेश्चन भेजेंगे वहां पे, इतना तो निकाल सकते हो ना टाइम, इतने बिजी तो नहीं हो। चलो अब बात करते हैं फॉर nth ऑर्डर। अब देखो हमने ना वैसे तो मोस्टली हमने कर लिया, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगी क्वेश्चन को जल्दी करने में, मतलब थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो आपके सिलेबस में वैसे तो जीरो और फर्स्ट है, बट मैं आपको एक फॉर्मूला लगाती हूँ बताती हूँ जो किसी भी ऑर्डर के लिए आप बिना डेरिवेशन किए उसका जो है रिलेशनशिप निकाल सकते हो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपको मैं जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ nth ऑर्डर के लिए, लिखेंगे सारे बच्चे जनरल फॉर्मूला फॉर nth ऑर्डर। क्या होता है बेटा वो फॉर्मूला? हालांकि देखो इसकी भी डेरिवेशन है, इसकी भी डेरिवेशन है, लेकिन मैं कल कोई फायदा नहीं है वो करवाने का, क्योंकि जब आपके काम की ही नहीं है तो मैं क्यों आप लोगों पे प्रेशर डालू बेटा वो करो, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ये फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है कि n क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है? n नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, 1/n-1, 1/80 क्या था याद है ना, लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन माइनस 1/a0, a0 क्या था इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है? n क्या है मेरा बेटा ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ध्यान रखना ये सब के लिए वैलिड है एक्सेप्ट 1, तो ध्यान रखना n जो होना चाहिए वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा बेटा n 1 हो जाएगा तो 1-1 जीरो हो जाएगा और 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो उसके लिए आप फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है? तो ये n क्या है मेरा बेटा जल्दी बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख रही हूँ, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेशक आप एक काम करो n की वैल्यू जीरो पुट करके देखो, तुम्हारा वही आ जाएगा फॉर्मूला जीरो ऑर्डर का जो मैंने तुम्हें डिराइव करवाया था, करना एक बार n को जीरो पुट करना, मैं करती हूँ चलो। KT क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0-1 हो जाएगा, -1 तो माइनस में यहाँ ले आ, तो ये कितना हो जाएगा 1/80 raised to the power -1 divided by 1/a0 raised to the power -1 है ना, यही हो जाएगा ना। ऊपर ले जाओ इसको, ऊपर लेके जाओगे तो क्या होगा 80-a0-80, बताओ यही फॉर्मूला डिराइव कराया था मैंने, हाँ ये ना याद आ रहा है? Yes, ma'am. तो इसीलिए जनरल फॉर्मूला तुम्हारे बहुत काम का है, इससे तुम सेकंड ऑर्डर का भी निकाल सकते हो, अभी बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद है बेटा हाफ, ये तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, मतलब ये याद नहीं हुआ ना तो मतलब तुम समझ लो दिक्कत हो जाएगी। इसको भी डिराइव किया गया था, डिराइव कैसे किया गया था, इधर देखो जो हाफ लाइफ आती है ना हमारी,
आप सबको पता है बेटा हाफ लाइफ में या तो हाफ लाइफ आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी या नहीं करेगी, है ना। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जनरल फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर वो क्या होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 की पावर n माइनस 1। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। यहाँ पे a0 क्या है मेरा बेटा, a0 तुम्हारा इनिशियल कंसंट्रेशन है और n क्या है मेरा बेटा, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक बात है क्या? ठीक है, अगर मान लो तुम्हें कोई रिएक्शन दी हुई है उस पर दो हाफ लाइफ दी हुई है और तुम्हें कंसंट्रेशन भी दी हुई है इनिशियल कंसंट्रेशन और तुम्हें निकालना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप निकाल सकते हो इससे। तो आप ऐसे कर देना, मान लो अगर किसी रिएक्शन में फर्स्ट हाफ लाइफ दी हुई है, सेकेंड दी हुई है और उसकी मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन दी है, तो सेकेंड वाले हाफ लाइफ के करेस्पॉन्डिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा। हाँ या ना? यस मैम। अब आप बेशक देख लो एक बार, इधर आओ। जीरो ऑर्डर के केस में अपना हाफ लाइफ अपन ने क्या निकाला था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर 1। देख लो एक बार, अगर मान लो मैं n0 पुट करूं यहाँ पे तो a0 की पावर माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर जाके वो क्या बच जाएगा a0, वो आ रहा है ना वही चीज। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या बताया था मैंने, डिपेंड ही नहीं करती, करके देख लो 1-1 जीरो हो जाएगा, किसी की पावर 0-1 हो जाएगा, तो यानी कि t हाफ नहीं डिपेंड करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप किसी भी ऑर्डर का पता लगा सकते हो कि हाफ लाइफ क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन के, क्या डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शन है कंसंट्रेशन के। तो यहाँ पे ऐसा पंगा नहीं है कि n1 नहीं हो सकता, n1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये बड़े काम की बात मैंने आपको बता दी। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड ऑर्डर की। देखो सेकेंड ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख भी देती हूँ पहले, नोट सो इम्पोर्टेंट। हाँ, एन कुछ भी हो सकता है, आप एन आपका जीरो ऑर्डर हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है, सेकेंड ऑर्डर हो सकता है, बट जो जनरल फॉर्मूला है ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, लिख लो, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है क्या? चलो अब सेकेंड ऑर्डर पे चलते हैं मेरा बेटा। जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने, याद करो जनरल फॉर्मूला क्या बताया मैंने। जनरल फॉर्मूला मैंने बताया kt is equal to 1/n-1 ब्रैकेट में at raised to the power n minus 1। कितना टाइम लगेगा इसको याद करने में, हो जाएगा ना जल्दी से लर्न। n को क्या पुट करोगे, 2, तो क्या आ जाएगा kt is equal to 1/at raised to the power n minus 1, नहीं n माइनस 1 नहीं, n तो 2 हो गया ना, माइनस 1/a0। बताओ ये आ गया फॉर्मूला, लो खत्म। इसको आप ऐसे लिख लो k इज इक्वल टू 1/t 1/at माइनस 1/a0। बोलो हाँ के ना मेरे बेटा। यस मैम। और अगर अगर मुझे टी हाफ निकालना हो तो टी हाफ मतलब क्या होगा, जब टाइम टी हाफ होगा तो एटी की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोट बाय टू होगा। तो निकालना बेटा कितना आ रहा है टी हाफ, एटी को रखो ए नोट बाय टू, सारे बच्चे रखेंगे और मुझे बताएंगे, अब तो आप प्रो हो जाने चाहिए इस चीज में। टी हाफ कितना आ रहा है चेक करके बताओ, या जो मैंने लिखा वही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? वेरी गुड, 1/a के। a क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। आप a नोट लिख लो, c नोट लिख लो, जो तुम्हारा मन हो वो लिख लो, बस पता होना चाहिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। और आप ये यहां से पता लगा, देखो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या हो तो आप ऐसे कर बता सकते हो, मतलब अगर आपको ये बताना हो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो आपके सामने ये फॉर्मूला। देखो अगर यहाँ पे n की वैल्यू तुम 2 रखते हो तो 2-1 हो जाएगा, तो यानी कि इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इट।
ठीक बात है क्या? बोलो मेरे बच्चों, हाँ या ना? अभी बैठे रहो बेटा, 10 एक मिनट, 10-15 मिनट बैठे रहो, ठीक है? चलो अब हम बात करते हैं ग्राफ। चलो तुम्हें मैं दे रही हूँ 2 मिनट, ग्राफ तुम बनाओ। पहले बनाओ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ बनाओ तुम रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, नहीं पहले बनाओ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का स्क्वायर और दूसरा बनाओ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। चलो बनाओ बनाओ। क्या आएगा देखना, सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, रेट का और कंसंट्रेशन का रिलेशन क्या होता है बताओ मेरे को। लेट्स से कि ए है कंसंट्रेशन, तो ए की पावर 2 होगा ना, हाँ या ना? बोलो अब तो भाई, तुमने इतने कर लिए, इसमें भी तुम पता नहीं क्यों डर रहे हो। तो ए का स्क्वायर कैसा ग्राफ आएगा मेरा बेटा? ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे है, तो ये स्लोप हो जाएगा, इंटरसेप्ट 0। तो कहां से ग्राफ को पास करूं जल्दी बताओ मेरे को सारे बच्चे, एवरीवन। ओरिजिन से। ओरिजिन से शिखा, सुमेला, दक्ष, शगुन, ओरिजिन से। तो स्लोप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा, ग्राफ आएंगे पेपर में है ना। चलो इसका बताओ मुझे, अगर मान लो मैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करूं तो इसका मतलब क्या होगा? इधर देखो, रेट क्या होता है इन केस ऑफ सेकंड ऑर्डर ए का स्क्वायर, बट हमें तो कंसंट्रेशन में करना है, यानी कि कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना हमारा, तो क्या बोलते हैं, के एक्स स्क्वायर करके कुछ बनेगा ग्राफ, बताओ। यस मैम, है ना। अब ये वो नहीं है स्लोप, अब ये वो वाला स्लोप नहीं है, वाई इज इक्वल टू एमएक्स, सॉरी वो वाला ग्राफ नहीं है स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू एमएक्स प्लस सी, ठीक है। अब ये कैसा ग्राफ आएगा, ये ग्राफ आएगा बताओ, पैराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा, पढ़ा होगा तुमने, y is equal to x square वाला ग्राफ कैसा आता है? मैम पैराबोला। ठीक है, तो ये आपका रेट हो जाएगा, ये आपका कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है मेरे बेटा। तो वैसे आता कैसे है ग्राफ, ऐसा आता है, ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा, ठीक है। अब क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये देखो ये वाला y is equal to x square, ये वाला, ठीक है। चलो ये तो मैथ्स की बात हो गई, छोड़ो इसको, हो जाएगा क्या। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आपको ग्राफ बताना है 1/80 वर्सेस t के बीच में ग्राफ बनाना है। सिक्स्थ आपको बनाना है t half वर्सेस 1/ इनिशियल कंसंट्रेशन, बनाओ चलो। फॉर्मूला बताओ क्या यूज होगा, बताओ फॉर्मूला बताओ भाई, कहाँ खो गए? क्या बताया था मैंने, के टी 1/80 माइनस 1/a0, यही बताया था मेरा बेटा। तो क्या करो, 1/80 को साइड ले जाओ। हाँ वेरी गुड शिवानी, तो ये क्या है आपका y एक्सिस है, ये आपका
एक्स एक्सिस है, ये आपका स्लोप हो जाएगा और इंटरसेप्ट, तो कैसा ग्राफ आएगा? आई होप आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि मैम किस टाइप का ग्राफ बनाएगी। पॉजिटिव स्लोप आएगा मेरा बेटा, तो ये इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा, स्लोप आ जाएगा के, एंड जो इंटरसेप्ट है मेरा बेटा वो आ जाएगा तुम्हारा 1/n। ठीक है, ये वाला बनाओ। ये कैसा बनेगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगा या नहीं आएगा? Yes, ma'am. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा, और स्लोप क्या हो जाएगा फिर 1/k, तो ये ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, हालांकि जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सही बताऊं ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीरो फर्स्ट ऑर्डर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर के याद नहीं होते तो यू कैन स्किप दैट, छोड़ सकते हो, बट जीरो फर्स्ट ऑर्डर के होने चाहिए। उसके अलावा अरेनियस इक्वेशन में आएंगे, ग्राफ आएंगे, बहुत सारे आएंगे, तो वो आपको करना है, तो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और चांसेस है कि ग्राफ से क्वेश्चन है, इस साल भी आया है, पहले भी आए थे। ठीक है, चलो एक दो तीन क्वेश्चन करके दिखा दो मेरे को जल्दी से जल्दी, फिर मैं छोड़ती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे बेटा। वेरी गुड, शाबाश। करो करो, हैंड रेज करो। हाँ अंशिका बताओ बेटा आंसर। ऑप्शन ए। यस ऑप्शन ए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये वेरी गुड। अगर आपसे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन पूछता तो फिर आंसर ये आता, सी वाला, क्योंकि फिर वो ऊपर चला जाता ना, ए की पावर वन माइनस एन। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर टू। कल अपनी क्लास 3:30 पे है ना, तो टाइम से आना सब। बताओ, हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है ना, इस कंसंट्रेशन के हाफ लाइफ इतना है, इस कंसंट्रेशन के लिए हाफ लाइफ इतना है, बताओ वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन की जगह वो प्रेशर की टर्म्स में भी दे सकते हैं, तो डोंट नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। हाँ बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मेरे बच्चों? कौन बताएगा माइक अनम्यूट करके, विच फॉर्मूला वी यूज इन दिस क्वेश्चन? हाँ शिखा। टी हाफ वन बाय ए नॉट रेज टू पावर एन माइनस वन साइन। दोबारा से पढ़ो उस एक बार फॉर्मूले को, ये वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने, तो मेरी हाफ लाइफ कितनी है दिशा? ठीक है क्या, हाफ लाइफ कितनी है? मान लेते ये वाली हाफ लाइफ आपका 200 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन कितनी है? 0.5, तो ये नीचे आ जाएगा। सेकंड हाफ लाइफ 100 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन कितनी है? 1 है, तो बताओ ऑर्डर कितना आ रहा है? जल्दी से मेरे बच्चे बताएंगे ऑर्डर कितना आ रहा है। 2 आ जाएगा ये, तो और ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर n-1, तो कितना आ रहा है? पावर कंपेयर करो बेटा, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, इसमें वो घुमा भी सकता है तुम लोगों को, हो सकता है वो डायरेक्ट ना दे और वो तुमसे इनडायरेक्ट बोले कि हाँ ये इतना कंसंट्रेशन हो रहा है तो हाफ लाइफ दे रखी होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, हो जाएगा कि नहीं होगा, गिव मी थम्स अप अगर हो जाएगा तो।
क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं एंड मैं सभी के हैंड रेज मतलब सॉरी थम्स अप चाहती हूँ क्लास में, और एक बच्चा एक ही बार थम्स अप दे दे बस, ताकि मुझे पता रहे कौन दे रहा है कौन। पूजा, महक, आयुष, बी एक्टिव बेटा क्लास में। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद से करेंगे, मैं वैसे ऑलरेडी करा चुकी हूँ, बस आपको दोबारा उसको करना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? टी वन बाय फोर निकालना है। क्या मैंने टी वन बाय फोर नहीं निकाला है क्या बताओ? मैंने आपको टी 75% निकलवा दिया था ना, अब आपको टी वन बाय फोर निकालना है। वन बाय फोर का मतलब क्या? इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो बचा कितना होगा, कौन बताएगा कितना बचा होगा? वेरी गुड, थ्री बाय फोर, यानी कि जो बची हुई कंसेंट्रेशन है वो थ्री ए नोट बाय फोर हो जाएगी। बस आपको देखो फर्स्ट ऑर्डर वाले में पुट करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो लास्ट, लास्ट को, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो इसको सारे बच्चे। बस दो मिनट और लूंगी आपके। कैसे अप्रोच करोगे? जस्ट टेल मी द अप्रोच। कोई बात नहीं, आंसर नहीं आ रहा है तो टाइम लगेगा, अप्रोच बताओ बेटा, कौन बताएगा मुझे? मुस्कान, यू वांट टू टेल मी? दीप्ति, प्रियांशी, पलक, खुशी, महक, परिधि, कौन बताएगा? आयुष, पीयूष है क्या क्लास में? यस मैम। बताओ भाई कौन बताएगा? पहले तो ये बताओ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? मैम फर्स्ट ऑर्डर की। भाई इसमें तो सबको बोलना चाहिए था मैम फर्स्ट ऑर्डर की, सामने तो लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है प्रियांशी? मैम k is equal to 2.303 upon t log a not upon a 80। अब तुम्हें क्या टाइम दिया हुआ है प्रियांशी? यस मैम। कितना दिया हुआ है बेटा? 40 मिनट्स। क्या तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है बेटा? यस मैम। कितनी दी हुई है? 0.1। और फाइनल कंसंट्रेशन? 0.025। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे क्या सारे बच्चे? तो ये कितना आ जाएगा? 4 पे आ जाएगा। और लॉग 4 कितना होता है मेरा बेटा? लॉग 4 होता है हमारे पास 0.6, है ना? कैसे निकालते हो लॉग 4? 2 का स्क्वायर ना, तो 2 लॉग 2। अगर अप्रोक्सीमेटली करना है तो पेपर में यही करना पड़ेगा, है ना? पॉइंट्स एग्जैक्ट कुछ और होगा, बट क्योंकि नीट में आप लोगों को वो तो मिलना है सारा लॉग टेबल, तो 0.3010 होती है एग्जैक्ट लॉग 2 की वैल्यू, बट आप 0.3 करके करेंगे तो यहाँ लॉग 4 आ जाता है आप लोगों का 0.6। हाँ हाँ बोलो बोलो मैम। ऑप्शन बी। ऑप्शन कितना आ रहा है? बी। 0.01 कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 0.01। तो यानी कि हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के केस में यही होता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर 1, क्योंकि इस बार एक्स तुम्हारा रिएक्टेंट है, तो के तुमने निकाल रखा है, एक्स तुम्हें दे रखा है, हो जाएगा सोल्व। हाँ या ना? यस यस मैम। तो इसका निकाल लेना, बी या सी में से ही एक ऑप्शन आएगा, तुम लोग बी बोल रहे हो तो बी ही होगा, ठीक है? अच्छा अब बेटा ये ध्यान रखना, ये जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं ना रिएक्टेंट की, वो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं होती है, कौन सी होती है? किसी भी टाइम टी पे होती है, ये ध्यान रखना, बच्चों को पता ही नहीं होती ये चीज, ठीक है? अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सेम है जो 2020 में आया था, बिल्कुल डिट्टो कॉपी वही है,
जो मैंने क्लास में करवाया था, हाँ या ना में जवाब दो मेरे को सारे 18-20 बच्चे। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर वाला हाफ लाइफ दे रखी है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें जब आप रेट कॉन्स्टेंट निकालोगे तो वो पर सेकंड में आएगा, उससे पता चल जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरे वाला क्वेश्चन देखो जो 2009 में आया, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट निकालना है। के को ही हम स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट बोलते हैं, मैंने बताया था। वेलोसिटी कॉन्स्टेंट बोल दो, स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट बोल दो, बात एक ही है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, हाफ लाइफ दी हुई है, के निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बच्चों से पता नहीं हुआ नहीं था, कोई बात नहीं, एक बार करके देख लेना, नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगी। 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गया 60 मिनट में, इससे तुम के निकाल लो। 50% ऑफ द सेम रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी, तो टी निकल जाएगा तुम्हारा, दो बार सोल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाओगे। इसके अलावा मेरा बेटा, मैं आपको क्या करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, फर्स्ट ऑर्डर ही कराऊंगी, बट प्रेशर की टर्म्स में भी कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, और अरेनियस इक्वेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ कुछ चीजें हमें पढ़नी है, तो ये लगा लो 2-3 लेक्चर का और है ये चैप्टर। और आपको मैं अलग से भी क्वेश्चंस भेजूंगी, उन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा होगा, नीट से ज्यादा लेवल होगा, तो ट्राई करना करने का। 6 क्वेश्चन होंगे वो अलग से। अच्छा, आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हमने 2-3 दिन में बहुत कुछ पढ़ लिया मेरा बेटा। अपन ने 0 ऑर्डर पढ़ लिया है ना, अपन ने फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ लिया, अपन ने सेकेंड ऑर्डर भी कर लिया। और ध्यान रखना, सेकेंड ऑर्डर में जो आप T75% निकालते हो अगर आप, तो 3T50% आता है, आप निकाल भी सकते हो। अच्छा, 0 ऑर्डर का क्या फॉर्मूला बताया था मेरा बेटा, कोई मुझे बताएगा? आपको मेरे से पहले ही बोलना है, मेरे लिखने से पहले ही बोल दो क्या था, बोलो। AT-A0 = -KT। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, जल्दी से बोलो। 2.03 into t a0 upon 80 a by a minus x भी कर सकते हो। इसमें क्या आया था, k 1 by t 1 by 80 minus 1 by a0, ठीक है। अच्छा, हाफ लाइफ क्या आई थी जीरो ऑर्डर में बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाफ लाइफ क्या थी जीरो ऑर्डर में, a0 by 2k। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या थी, 0.693 upon k। और सेकंड ऑर्डर में कितनी थी, 1 by 8k, ठीक है। T75% कितना था जीरो ऑर्डर में बताओ, जल्दी बताओ, 3a0 by 4k। सारे ब्रांच ही बताएगी क्या, 3a0 by 4k। बाकी भी बोलो, बाकी तो ऐसा बिहेव करो जैसे पढ़ाया ही नहीं मैंने कुछ। इसमें क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर में, अरे अभी तो क्वेश्चन कराया मैंने, T75% का क्या रिलेशन है टी हाफ के साथ, 2t, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले सारे के सारे पता होने चाहिए, ठीक है। क्या बोलो, हाँ ना मैं तो जवाब दे दो। यस मैम, ठीक है। तो अब हम